माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये शर्मा जी की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूं मैं, और फाइनेंस कंपनी का एक तरह का सॉफ्टवेयर ही डिजाइन करना है और इसमें मैं कोई भी वीबीए कोड यूज नहीं करूंगा। आइए देखते हैं कि इसको कैसे तैयार करेंगे। इनका ये कहना है कि जो अकाउंट आईडी है वो 3001 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो यहां मैं लिख देता हूं अकाउंट आईडी, ठीक है, और ये ऑटो नंबर की जगह हम यहां पे नंबर कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर वैलिडेशन रूल में आकर के यहां पर हमें करना है इज ग्रेटर देन 3000, ठीक है। और यहां मैं लिखता हूं द वैल्यू, चूंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू है, यहां पे नहीं लिखना है आपको, नीचे लिखना है यहां टेक्स्ट में द वैल्यू शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 3001, ठीक है। तो ये 3001 से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। और इसको यू छूट गया है, यू लिख देते हैं, ठीक है, अकाउंट आईडी हो गया। अब अकाउंट होल्डर का नेम आएगा, तो यहां लिखता हूं अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, और ये टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अब हमें क्या देना है, इसके बाद अकाउंट ओपनिंग की डेट आएगी, तो यहां पर हम अकाउंट ओपनिंग डेट भी कर देते हैं, अकाउंट ओपनिंग डेट, ठीक है। और ये होगा डेट एंड टाइम डेटा टाइप, क्या होगा डेट एंड टाइम यहां पे दे देंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद जो है ईयर दे सकते हैं हम, कौन कौन से ईयर में, तो यहां पे ईयर में हम ड्रॉप डाउन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ड्रॉप डाउन, आइए देखते हैं। यहां से हम लुकअप विजार्ड चूज कर लेंगे, जैसे ही चूज करेंगे तो ये आएगा, तो यहां से आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट टू क्लिक करेंगे, और यहां पर इसको सबसे पहले यहां लिखता हूं 2014 2015 2016, चाहे तो दो कॉलम भी ले सकते हैं, मैं फिलहाल एक ही कॉलम लेने वाला हूं क्योंकि एक ही की जरूरत है, तो ये ले लिया हमने, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अकाउंट ओपनिंग की डेट भी हो गई, अब ईयर भी कर लिया हमने, अब क्या बचा है, अब यहां से हम डिनोमिनेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कितने रुपए डेली आप चला रहे हैं खाते को, ठीक है, जो भी आपका अकाउंट है कितने रुपए डेली आप कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए आप जो भी अमाउंट कलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ईयर जो है नंबर डेटा टाइप होगा, जो भी अमाउंट आप कलेक्ट करेंगे वो होगा तो मंथली, उसकी रिपोर्ट तो मंथली में ही तैयार करेंगे, लेकिन आप जो है डेली वाइज उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां इसको नंबर डेटा टाइप में रखता हूं, ठीक है, डेनो को, और नंबर क्या बल्कि मैं यहाँ पे करेंसी कर लेता हूं इसको, ठीक है, करेंसी डेटा टाइप, तो यहाँ करेंसी कर लिया हमने, तो इतने से हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे टोटल कलेक्टेड अमाउंट, मतलब कि एक महीने में कितना कलेक्ट हुआ, टोटल कलेक्टेड अमाउंट इन अ मंथ, ठीक है, तो वो यहां पे आ जाएगा, समझ में आ रही है बात, वो चीज यहां पे आ जाएगी। अब यहां पर जो है हम नंबर डेटा टाइप ना रख करके क्या रखेंगे, करेंसी रखेंगे, ठीक है। अब ये पूरे महीने का कलेक्शन है, ठीक है। इसके बाद अब ये जो पूरे महीने का कलेक्शन आएगा वो पहले महीने का कलेक्शन होगा, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी से, ठीक है, आपको जहां से सुविधा लगे, आप चाहे तो मार्च से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से चाहे वहां से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर फरवरी करेंगे, जनवरी हो चुका हमारा, आप फरवरी करिए, ठीक है। और अब देखिए यहां पर एक वैलिडेशन रूल भी हमें लगाते चलना होगा, यहां पे मैं लगाता हूं इज नॉट नल, ये वैलिडेशन रूल लगाना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं लगाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक ठीक है, ये लिख दिया हमने। और अब करेंसी यहां पर लिखा किया हमने और कॉपी किया, और इसी चीज को यहां पर भी दे देंगे हम वैलिडेशन टेक्स्ट में, तो ये दे दिया हमने, और यहां पर इज नॉट नल ये कर देंगे हम, ठीक है। अब यहां मार्च में, और यहां से हम करेंसी डेटा टाइप यहां पर रखेंगे, वैलिडेशन टेक्स्ट यहां आ जाएगा, और इज नॉट नल यहां पर रखेंगे, ठीक है, इज नॉट नल, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब
फिर यहां पर आएंगे अप्रैल, तो एपीआर लिखा मैंने, ठीक है। और एपीआर लिखने के बाद अमाउंट, ठीक है, तो ये यहां पे आ जाएगा। करेंसी यहां पर भी रखेंगे हम, ठीक है। टोटल कलेक्टेड अमाउंट को करने के बाद अब आगे क्या करना है वो ध्यान से समझिएगा। हमने लास्ट तक कर लिया टोटल कलेक्टेड अमाउंट, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, टोटल कलेक्टेड अमाउंट करने के बाद यहां पर इंटरेस्ट रेट लगाएंगे हम, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट रेट, फील्ड नेम में लिखेंगे इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट जो भी इन्होंने दिया है उसको मैं यहां पे देता हूं। लुकअप विजार्ड पे जाऊंगा, आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, और यहां पर हमें इंटरेस्ट रेट देना है। तो एक काम पहले ही मैं यहां पे कर लेना चाहता हूं, वो ये है कि यहां पे पहले तो इसे मैं नंबर रखता हूं, ठीक है, और इसको बना लेता हूं डबल, ठीक है। और यहां फॉर्मेट में मैं कर देता हूं परसेंट, ठीक है, ये कर दिया हमने। और अब हमें क्या करना है, यहां पर इसको करेंसी रखना है, नंबर नहीं रखना बल्कि करेंसी रखना है, ठीक है। और करेंसी रखने के बाद इंटरेस्ट रेट ये हो गया, यहां से लुकअप विजार्ड, आए यहां पे और ओके कीजिए। सबसे पहले 3% इंटरेस्ट रेट, फिर 5% इंटरेस्ट रेट, फिर यहां 25% इंटरेस्ट रेट, फिर यहां 50% और एट लास्ट 75%। तो जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है वो यहां पे आप दे दीजिए, ठीक है, फिनिश कर दीजिए। ये इंटरेस्ट रेट हो गया, यहां पे इंटरेस्ट रेट होगा, इसको सही कर लेते हैं। अब क्या बचा हुआ है लास्ट में, सब कुछ हो चुका है हमारा, अब एट लास्ट क्या बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट भी हम दे चुके हैं, अब पेबल अमाउंट यहां हमें देना है। तो पेबल अमाउंट यहां पे करते हैं पेबल, या मैच्योरिटी अमाउंट करते हैं, मैच्योरिटी अमाउंट, मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है, ये हमने किया। और यहां पर आ जाइए, और ये जो है करेंसी डेटा टाइप इसको भी रखिएगा आप, ठीक है। तो ये मैच्योरिटी अमाउंट भी हमने कर दिया, और यहां से यस करिए। अब ये हमारा डेटा इस तरह से कुछ बन करके तैयार हो चुका है। अब हमको कहां चलना है, क्वेरी डिजाइन में चलना है, तो यहां से क्रिएट पे जाइए, क्वेरी डिजाइन में जाइए, ऐड करवाइए इसको, और एक एक चीजों को हम यहां से ऐड करवाते हुए चलेंगे। अकाउंट आईडी, अकाउंट होल्डर नेम, ओपनिंग डेट, ईयर, डेनो, टोटल कलेक्टेड अमाउंट फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां से चूज कर लेते हैं नवंबर, और एट लास्ट दिसंबर, और फिर इधर आकर के इसको टोटल कलेक्टेड अमाउंट ले लेते हैं, और इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है। अब सबसे पहले हमें टोटल कलेक्टेड अमाउंट इसको कैलकुलेट करना है। चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं मैं। अब देखिए यहां पर कोलन लगा लीजिए और स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहां पे देखिए जो पहला हमने लिया हुआ है टोटल कलेक्टेड अमाउंट इन अ मंथ, ये आपको लिखना है। तो टोटल कलेक्टेड में लेना होगा टीएच, ठीक है, इन अ मंथ जनवरी, यहां लिखा मैंने जनवरी, ठीक है, तो जनवरी हो गया। अब इसको क्लोज करेंगे प्लस, अब फरवरी प्लस मार्च प्लस, ये सब कुछ हम ले लेंगे, ठीक है, और यहां से अब ओके प्रेस करेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट हमने पहले से लगा रखा है, हमें अब कैलकुलेट करना है मैच्योरिटी अमाउंट, ठीक है। यहां पे देखिए एक
स्क्वायर ब्रैकेट छूट गया है ओपन होना, तो ये हो गया। अब चलिए मैच्योरिटी अमाउंट पे चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ जूम व्यू पे ले लिया हमने, और यहाँ पर अब हम मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। टोटल कलेक्टेड अमाउंट पे ही मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, तो टोटल कलेक्टेड इंटरेस्ट रेट करेंगे, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट कर दिया हमने, और यहां से हो जाएगा हमारा काम बहुत ही आसानी के साथ। तो ये यहां से देखिए, फिर यहां पर गड़बड़ हो गया, अप्रैल को हमने गलती से एपीएल लिख दिया, एआरएल लिख दिया है, तो इसको सही कर लेंगे हम। कैसे सही करेंगे, यहां पे राइट क्लिक करेंगे, जूम व्यू पे लेंगे, तो एआरएल जो लिखा हुआ है इसको सही कर लेते हैं, एपीआर है ये, एपीआर कर दिया हमने, और यहां से ओके प्रेस किया, और यहां से ओके प्रेस करेंगे। अब यहां पे इंटरेस्ट रेट में भी गलती हो गई है, जो इंटरेस्ट रेट है उसमें डबल टी लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी हम सही करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल टी होना चाहिए, ठीक है, और यहां से ओके प्रेस कीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा काम इसमें बचा हुआ है अभी। वो काम क्या है कि इसमें कुछ बटन्स वगैरह हमें बनाने हैं, फॉर्म बनाना है हमें, तो वो कैसे बनाएंगे, और फॉर्म के अंदर हम टेबल भी बनाना सीख लेंगे इसमें, तो ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बेहतरीन तरीके से दिखे, वो दिखने में अच्छा दिखे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है मोर फॉर्म्स, यहाँ पर आएंगे और फॉर्म विजार्ड पे आ जाएंगे, ठीक है, तो फॉर्म विजार्ड पे आने के बाद ये सेव करने के लिए बोलेगा, इसको सेव कर सकते हैं आप, क्वेरी वन ही रहने देता हूं मैं नाम, और इन सबको मैं लेना चाहता हूं, तो ये सब आ गए यहाँ पे। और टेबुलर फॉर्म में, कॉलमर फॉर्म में, जैसे भी आप डेटा को रखना चाहें रख सकते हैं, मैं डेटा शीट फॉर्म में रखना चाहता हूं, ऐसे मैंने किया, और जो मॉड्यूल आपको पसंद हो वो मॉड्यूल यहां से ले सकते हैं आप एज योर विश, ठीक है, मैंने यही ले लिया और फिनिश पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले व्यू पे जाएंगे, डिजाइन व्यू पे जाएंगे, तो यहां पर हम बटन बना सकते हैं ऊपर में, ठीक है, देखिए क्वेरी वन जो नाम हमने दिया था वो यहां पे आ रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं। अब हमको बटन बनाने स्टार्ट करने हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम बटन भी बनाएं, और बटन बना करके हम इसको ये करें, और हम अपने हिसाब से इसमें खोजबीन कर सकें। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स बना रहा हूं, जिसकी सहायता से हम सिर्फ इस बॉक्स में सर्च करेंगे और सारी चीजें उस बॉक्स में ही सर्च करने से हमें दिखाई पड़ जाएंगी। तो यहाँ इस वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिए आप, और हम यहाँ पर किन किन चीजों के भरोसे पे खोजना चाहते हैं, हम यहाँ पे अकाउंट आईडी और अकाउंट होल्डर नेम, इन दोनों चीजों के बेस पे खोजना चाहते हैं। ये आ चुका है हमारे पास, हम इसको एक को हाइड कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये दोनों चीजें दिखाई देंगी एक साथ में जब आप ओपन करेंगे इसको, और यहाँ फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने वो बॉक्स तैयार कर दिया, यानी वो सर्च बॉक्स तैयार कर दिया, जहां से कि आप अपने फॉर्म को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी आपके अकाउंट होल्डर होंगे उनको आप यहां से सर्च कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब एक और कॉम्बो बॉक्स हम बना लेते हैं, जिससे कि हम क्या सर्च कर सके, एक कॉम्बो बॉक्स हम ईयर के लिए बना रहे हैं कि हम इस ईयर के अकाउंट को सर्च करना चाहते हैं, इस ईयर के अकाउंट को सर्च करना चाहते हैं, तो वो चीज हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम, और क्वेरीज और फॉर्म टेबल दोनों यहां पे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, ईयर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम ईयर के बेस पे खोजना चाहते हैं, इसलिए ईयर पे क्लिक कर दिया हमने, और असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर अगर आप चाहते हैं तो यहां पे कर सकते हैं, जो भी हो, ठीक है। अकाउंट आईडी इसमें मैं पहले देखना चाहता हूं, ये हो गया, ठीक है, तो ये भी हमारा क्रिएट हो गया बटन, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, और यहां पर इसको थोड़ा मैं इसकी शेप साइज सही कर दूं, ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमने ये दो बटन क्रिएट करा लिए, यानी कि ये सर्च बॉक्स है, क्या है, ये सर्च बॉक्स है, जिसके आधार पर हम चीजों को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर नीचे भी कुछ बटन बनाने होंगे जिनके आधार पर हम सर्च कर पाएंगे चीजों को, ठीक है। तो चलिए अब बटन यहां से बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले यहां क्लिक करेंगे और यहां पर हम बटन बनाने वाले हैं। तो अब पहला जो बटन बनाएंगे हम,
वो किसका बनाएंगे, हम बनाएंगे लास्ट रिकॉर्ड का या नेक्स्ट रिकॉर्ड का। तो यहाँ नेक्स्ट रिकॉर्ड का पहले हम बटन बना लेते हैं, तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन हम टेक्स्ट रखना चाहते हैं यहाँ पे, ये हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन क्रिएट करा लिया, तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा बटन हम क्रिएट कराएंगे वो किसका कराएंगे, वो प्रीवियस रिकॉर्ड का हम बटन बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन बना लेते हैं, नेक्स्ट रिकॉर्ड का पहले ही बना चुके हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन हमने बना लिया, तो यहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन बन गया। इसके बाद अगला बटन हम बनाते हैं सेव रिकॉर्ड या डिलीट रिकॉर्ड का भी बटन हम बना सकते हैं, या फिर न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है तो उसका भी बटन बनाया जा सकता है, इसमें वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे आइए और यहाँ पे देख सकते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो इसका भी बटन हम बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया इसका भी बटन, ठीक है, और यहां से फॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं इसके, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने बटन्स कुछ बनाए हैं, तीन बटन। थोड़ा नीचे आते हैं ये, अब यहां पर चौथा बटन जो है हम क्रिएट कराने वाले हैं। तो चौथे बटन को क्रिएट कराने के लिए फिर यहां बटन पे हम क्लिक कर सकते हैं, तो यहां बटन पर क्लिक किया हमने और यहां चौथा बटन भी हम क्रिएट करा रहे हैं, ये चौथा बटन। तो इसमें आप कई सारी चीजें कर सकते हो, आप रन क्वेरी का भी बटन बना सकते हो, फिलहाल हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन से क्विट होना है उसके लिए बटन हम बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया क्विट करने के लिए, एप्लीकेशन से क्विट होना है, बाहर आना है, उसके लिए ये बटन हमने तैयार कर दिया, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं ये चार बटन हमने तैयार किए हैं, और भी बटन चाहे तो आप तैयार कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करता हूं, ये सारे बटन सेलेक्ट हो जाएंगे, और अब हम क्या करेंगे, टेबल यहां से बना सकते हैं हम, ये जो ग्रीड लाइन है ना इस पर क्लिक कीजिए और यहां बोथ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए, तो ये जो है एज लाइक टेबल भी ये बन जाएगा यहां पे क्लिक करेंगे तो, ठीक है। और यहां से अब व्यू पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये व्यू पे जैसे ही हमने क्लिक करा तो यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया, चूंकि हमने वही व्यू चूज किया है तो उस व्यू में ये आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहां से अकाउंट आईडी डालते हैं, ठीक है। अकाउंट आईडी जैसे मान लीजिए 3001 से स्टार्ट करना है, और अब मान लीजिए गलती से मैंने यहाँ 2900 दबा दिया, तो क्या होगा, ये तुरंत ही हमें मैसेज देगा कि आपको 3001 से स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ 3001 से स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 3001 से, देखते हैं क्या होता है। यहाँ 3001 से स्टार्ट किया, अब मान लीजिए राम कुमार नाम है अकाउंट होल्डर का, तो यहाँ राम कुमार लिखा आपने, और यहाँ अकाउंट की ओपनिंग डेट है, मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को ये ओपनिंग डेट है अकाउंट की, अब यहां पर आ गए हम, और अब यहाँ पे ईयर चूज करना है हमको, जो भी ईयर जिस भी ईयर में ये अकाउंट खुला हो तो वो चूज कर लीजिए, ठीक है। 2020 में खुला है तो यहां से 2020 हम चूज कर सकते हैं। डेनो, यहाँ पे डेनो यानी कितने रुपए से अकाउंट खुल रहा है, तो 10 रुपए रोज हम जमा करेंगे या 100 रुपए, जैसे ये जो अकाउंट जो हम खोल रहे हैं कैलकुलेट तो ये मंथली ही होगा, ठीक है। जैसे 600 रुपए महीने का हम अकाउंट ये खोल रहे हैं, सपोज कीजिए 20 रुपए डेली हम जमा करेंगे तो महीने का 600 रुपए हो जाएगा, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट करके हमें देगा। अब यहां पर आइए, यहां पर जनवरी का अमाउंट हमें एंटर करना है, तो जनवरी का अमाउंट जनवरी में जितना भी इन्होंने जमा किया हो, ठीक है, तो सपोज कीजिए जनवरी में इन्होंने 600 जमा किया, तो 600 आ गया यहां पे, यहां से स्क्रॉल कर लेते हैं हम, अब यहां पे फरवरी में एंटर करना है आपको, तो फरवरी में इन्होंने 700 रुपए जमा किए, ठीक है। इसी तरह से मार्च में 600 जमा किए, अप्रैल में 600 जमा किए, मई में 600 जमा किए, जून 500 हो गया, जुलाई 600 600, ऐसे करके हम यहां पे डेटा एंटर करते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे ये देख सकते हैं टोटल कलेक्टेड अमाउंट यहां पे आ चुका है। अब थोड़ा यहां पे भी समझ लेते हैं, इंटरेस्ट रेट के विषय में समझ लेते हैं। यहां पे यहां से आपको इंटरेस्ट रेट चूज करना है, आपको पता है कि ये अकाउंट कितने दिनों तक चला है, ठीक है, तो वह उस हिसाब से आप इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं। यहां पे जैसे 3% के हिसाब से लगाएंगे, अभी यहां 0 दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर यहां पे हम दूसरा यहां पे चाहे तो एंटर कर सकते हैं, वो यहां पे आएगी, पहले यहां पे डेट लिख लेते हैं हम,
ठीक होंगे यहाँ पे टोटल 600 यहाँ पे वो अमाउंट इंटर कर देते हैं हम, किसी महीने 200 ही मिला तो उसी हिसाब से ब्याज कैलकुलेट होकर आएगा। ठीक है, ठीक है, यहां से वो इंटरेस्ट रेट हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, यहां से इसको सेव करना है। ठीक है, अगर फॉर्म व्यू पे आएंगे तो ये सारी डिटेल ये रहा। ठीक है, और अब इसको फॉर्म व्यू में हम देखेंगे तो ये हमें इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये हमारा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है। अब जब कभी भी आपको यहां से खोजना होगा किसी का भी, अब जैसे 3002 करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक नाम चेंज हो जाएगा और सारी रिकॉर्ड्स उनकी आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो बटन बनाया हमने, जैसे अभी तो हमने दो रिकॉर्ड इंटर किए तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे तो क्या होगा, अकाउंट आईडी देखिएगा, अभी नेक्स्ट रिकॉर्ड तो है ही नहीं, यू कैन नॉट गो टू स्पेसिफिक रिकॉर्ड। अगर प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना चाहें तो 3001 पे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे 3001 2 है अभी। अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड मैं क्लिक कर रहा हूँ, प्रीवियस रिकॉर्ड पे आ गए हम, 3001 वाले पे देख सकते हैं आप चाहे तो यहां से भी चूज कर सकते हैं। 3001 पे आ गए और यहां से देखिए 3002 पे आ गए, यहां से देख सकते हैं आप 2020 में जो अकाउंट खुला है, तो यहां से भी हम ये चीजें मैनेज कर सकते हैं। क्विट करना है, यहां से आप क्विट हो जाएंगे, ये देखिए यहां से सेव करना चाहते हैं तो यहां से सेव करिए और क्विट हो जाइए। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर मैंने क्रिएट किया है, एक आपको डेमो दिया है कि इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।